समुचा जगत गुरु गोबिंद सिंह जी दे लालां दी शहादत नूं याद कर रहा है इन्हां दिनां दे विच। ते जदों आपां उन्हां दे छोटे साहिबजादियां दी शहादत बारे गल करदे हाँ तां हुण तक असीं जो कुछ सुनदे आए हाँ तां मतलब उन्हां दी शहादत बारे सानूं मोटा मोटा पता है, पॉइंट टू पॉइंट पता है कि उन्हां दे नाल की कुछ वापरिया। आनंदपुर साहिब दे किले तों जदों ओह बाहर निकले सरसा नदी ते परिवार दा विछोड़ा होया। परिवार दा विछोड़ा होया वड्डे साहिबजादे गुरु जी दे नाल चमकौर साहिब दी गढ़ी वाल चले गए जिथे उन्होंने जंग दे दौरान शहीदियां पा दित्तियां। छोटे साहिबजादे अपनी दादी माँ माता गुजर कौर जी दे नाल किसे होर राह वाल चले गए। उन्हां नूं रस्ते दे विच गंगू मिलदा है, गंगू दे नाल मुलाकात हुंदी है, वह गंगू दे घर चले जांदे ने, उत्थों फिर मोरिंडे दी हवालात दे विच रात कटदे ने ते उहदे तों बाद शुरू हो जांदा है सरहंद दा सफर जिथे इन्हां छोटे लालां नूं नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिता जांदा है। पर की किसे नूं पता कि इहदे तों पहलां उन्हां दे नाल की कुछ होया। शहादतां तों पहलां इन्हें पूरे सफ़र के दौरान उन्होंने की तसीहे दिते गए, उन्होंने किस तरह डराया गया धमकाया गया कि वह इस्लाम कबूल कर लैन। हकूमत सी ते हर हथ कंडा उसने वरत्या। शहादत तो पहला इन्हों छोटे छोटे मासूम बच्चों के नाल की होया जो जानकारी तुहानू देवांगे ये सिख इतिहास के कुछ प्रमुख स्रोत जिहड़े आ उन्हां दे विचों लई गई है, जिन्हां दे विच भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल रहिंदे रहे ते उन्हां दी जिहड़ी किताब आ हथ लिखित किताब कथा गुरु सूतन जी की, उन्हां तों इलावा डॉक्टर गंडा सिंह अते ज्ञानी सोहन सिंह सीतल दे हवालियां दे नाल तुहानू जानकारी देण जा रहे हां। परिवार के नाल विछड़न तो बाद छोटे साहिबजादियां अते माता गुजर कौर जी ने कई किलोमीटर का बिखड़ा पेंडा पैदल ही तय किया इन्हीं ठंड दे विच। ते जदों ओ विछड़ गए चारे पासे मुगलिया फौज के सिपाही इन्हां गुरु जी नूं गुरु के परिवार वालियां नूं लभदे फिरदे सन, चारे पासे सिपाही लभदे फिरदे सी तां उस वेले माता गुजर कौर जी अपने दोहें लालां नूं बोरियां दे विच बंद करके खच्चर दे उपर लद के गंगू दे घर पहुँचे सी। ते गंगू दे घर पहुँचण तों बाद दा जिहड़ा सफर है वह कुछ इस तरह शुरू हुंदा है। दोवें लाल गंगू दे घर पुज्जे, उत्थों उन्हां नूं मोरिंडे दी हवालात दे विच लियांदा गया, वह भी नंगे पैरीं तोर के उत्थों तक ले जाया गया। उहदे तों बाद फिर मोरिंडे दी जिहड़ी हवालात आ मोरिंडे तों जिहड़ा सरहद दा सफर आ वह 25 किलोमीटर दे करीब दा बनदा है, तां इन्हां जिहड़ा पेंडा आ वह भी लालां नूं माता गुजर कौर जी नूं तोर के लियांदा गया, भुखे रख के अत दी ठंड दे विच नंगे पैरीं हथ खड़ियां ला के उत्थों तक ले जाया गया। पहला जदों मोरिंडे हवालात विच आउंदे ने उदों भी उन्हां मासूम बच्चों नूं हथ कड़ियां ला के ही हवालात दे विच लियांदा गया। नौ पो दी रात जिहड़ी के इन्हां छोटे बच्चों ने अपनी दादी दे नाल मोरिंडे दी हवालात विच कट्टी, खाण नूं कुछ भी नहीं दिता गया, कपड़े भी कोई नहीं दिते गए ते जमीन ठंडी जमीन दे उत्ते भुंजे इन्हां ने वह अत दी ठंडी रात कट्टी। उस अकाल पुरख का शुक्र करदे उहदे भाणे विच रहिंदे होए उसनू याद करदे होए दस पोह नूं बच्चों नूं ते माता जी नूं सरहंद विखे लिआंदा गया। सरहंद विखे लिआ के बच्चों नूं माता जी नूं ठंडे बुरज विच रख्या गया। ठंडा बुरज जिहड़ा कि बहुत ही उचाई दे उत्ते बणिआ होइआ सी, उहदे थल्लिओं दी पाणी वहिंदा सी, पानी वहन करके जिहड़ी हवा आ उह पानी दे नाल टकरा के उपर जांदी सी तां बेहद ठंडी हवा लगदी। इस बुरज नूं वजीर खां ने अपने वास्ते बनाया सी कि गर्मियां जिहड़ियां उह इत्थे बिताउंदा सी, गर्मियां दे विच वी इह हवा जिहड़ी है इन्नी ठंडी सी कि बंदे नूं कांबा छेड़ दिंदी सी। ते हुण सर्दियां दे विच सियालां दा सब तों जिहड़ा ठंडा महीना पोह दा उहदे विच इन्हां निक्के निक्के मासूम जिहड़े कोमल बच्चे आ बजुर्ग माता आ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
पेशी उन्हां दी सी। तां डॉक्टर गंडा सिंह अपनी किताब दे विच लिखदे ने कि बच्चों नूं जदों ले जाया गया तां ठंड दे नाल उन्हां दे नक दीआं टोडरियां लाल हो गईआं सी, उन्हां दे हाथ जिहड़े ओह ठंड दे नाल बेहाल हो गए सी, बुल उन्हां दे नीले होए पए सी। साहिबजादियां ने जदों ईन ना मन्नी तां नीहां दे विच चिड़न तों पहलां उन्हां नूं जिहड़े तसीहे दित्ते गए ओह कुछ इस तरह सी। एक खमची तूत दी पतली जिही छटी लै के उन्हां निक्के निक्के मासूम बच्चों नूं 7-9 साल दे गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाला नूं कुटिया गया तां कि ओह डर जाण ते सूबे दी गल मन लैण। कुटण दा करके उन्हां दा शरीर दा जिहड़ा मास सी ओह उभर गया, शरीर दे कोमल जी चमड़ी दे उपर निशान पै गए, पर वह बच्चे डरे नहीं। ते उस तो अगले दिन फिर तो जदों उन्हां दी पेशी की गई, पहले दिन जदों उन्हां नूं कुटिया गया, तसीहे दिते गए, उन्हां नूं मनाया गया, डराया धमकाया गया, वह नहीं मन्ने, तां उन्हां नूं वापस माता जी दे कोल भेज दिता गया। अगले दिन फिर उन्हां नूं कचहरी दे विच बुलाया गया तां उन्हां नूं पिपल दे रुख दे नाल बन के गुलेलां मारियां गईं। भाई दुना सिंह हंडूरिया की किताब कथा गुरसूतन जी दे विच इत्थों तक लिखा गया है कि दोवें निक्के साहिबजादियां दे हत्थां दीआं उंगलां दे विच पटाके रख के चलाए गए कि चमड़ी सड़ जाएगी तो बच्चे डोल जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे। चमड़ी सड़ जाने कितना दर्द महसूस होता है, वह तो फिर है ही छोटे छोटे लाल सी। डॉक्टर गंडा सिंह जी के अनुसार 12 पो जिस दिन आखिरली कचहरी लगती है, काजी नूं फतवा देण वास्ते आख्या जाता है, तो उन्हां लालां का कोई कसूर नहीं निकलता। तो फिर इस वेले एक बार फिर तो सुचा नंद अपना अत दर्जे का घटिया तो अहम रोल अदा करता है। वह निक्के बच्चों नूं पुछता है कि बच्चो जेकर तुहानूं हुण छड्ड दिता जाता है तो तुसीं की करोगे। दोवें जिहड़े बच्चे साहिबजादे सी वह बड़ी निडरता दे नाल बोलते हैं कि असीं गुरु पिता दे कोल जावांगे, जाके सिंघां नूं इकट्ठे करांगे, तुहाडे खिलाफ लड़ाई करांगे, सूबा सरहंद दा सिर जिहड़ा आ इह कलम कर देवांगे। वह पुछदे ने जेकर तुसीं फड़े जांदे हो फिर तो फड़े जाने हो फिर की करोगे, वह कहिंदे फिर तो असीं इही करांगे। फिर एक बार पुछा जांदा है जेकर तुसीं फिर तो दोबारा फड़े गए तां तुसीं फिर की करोगे छुट के। वो बच्चे कहंदे ने असीं यही काम करदे रहांगे, असीं तुहाडे खिलाफ लड़ाई लड़दे रहांगे, जदों तक इस मुगलिया ते जालम राज दी नींह नहीं पुट्टी जांदी उदों तक असीं तुहाडे खिलाफ लड़ाई लड़दे रहांगे। इस तों बाद जिवें ही ये बोल निकलदे ने चारे पासिओं आवाज़ आउंदी है, बागी बागी हकूमत दे बागी। काजी उस वेले कहंदा है कि इन्हां बच्चियां नूं जींदे जी ज्यौदे ही नीहां दे विच चिण दिता जाए। बच्चों उस दिन उतों भेज दिता जाता है अपनी दादी माँ को, बच्चे माता जी को जाके दसते हैं कि कल सानू ज्यौदे जी नीहां दे विच चिण दिता जाएगा। तो माता गुजर कौर जी ने वह आखिरली रात सारी रात अपनी उम्र भर की जिनी सेवा भावना से जिनी रब्बी धर्म की जो कमाई से वह अपने दोहां पोतियां दे लेखे ला दिती कि किते ये मेरे बच्चे कल नूं अपने दीन तो अपने धर्म तो डोल ना जान, किते सूबे की ईन कबूल ना कर लैन। इतिहास दसदा है कि जान तो पहला दादी माँ ने उन्हां बच्चों के उस दिन नीले चोले पहनाए, सिर दे उत्ते दस्तारां सजाइयां ते उन्हां दा मत्था चुम के उन्हां नूं उत्थों विदा किया। ज्ञानी सोहन सिंह सीतल जी के मुताबक बच्चे जदों दादी माँ तो थोड़ी दूर जाते हैं तो छोटे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह पिछे मुड़ के देखते हैं अपनी दादी माँ को, कहते हैं दादी माँ माता जी के जान तो पहला तुसी कदे भी सानू इकले नहीं छड़िया, हुण भी सानू ज़्यादा देर इकले ना छड़ना, छेती छेती साढ़े मगरे ही आ जाना। बच्चों नीहां दे विच चिण दिता जाता है, कंध उसर जाती है, उस तो बाद जदों कंध थले डिग पैंदी है बच्चे बेहोश हो जाते हैं। बच्चों जदों थोड़ी जी होश आती है उन्होंने साह हजे कितने ना कितने चलते सी उन्होंने फिर तो पूछा जाता है, खंजर तिखे कर रहे जलाद शाशल बेग बाशल बेग उन्हां बच्चों नूं फिर तो पुछदे ने बच्चो ईन कबूल कर लवो, इस्लाम कबूल कर लवो। बच्चे फिर तो ना दे विच सिर हिलाउंदे ने, आवाज़ आउंदी है सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। एदे तो बाद शाशल बेग बाशल बेग
ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਕਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 11:15 ਤੋਂ 11:30 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਿੱਕਾ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਰਨ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।